हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूं मोदक, दो तरह का मोदक और बिना गैस जलाए, बिना किसी झंझट के, बहुत ही आसानी से, बिना किसी मोल्ड के आप हाथों से ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने लिया है चना का सत्तू। ये चना सत्तू है, ये इजीली किराना स्टोर पे मिल जाता है, और अगर नहीं है, नहीं मिल रहा है तो आपके पास अगर भुना हुआ चना है तो उसका पाउडर बना लीजिए और उसका बनाइए। और ये कोकोनट, ये नारियल का बुरादा है, हम इसे भी डाल देंगे। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, मैंने काजू और बादाम को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, हम इसे भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची, इलायची पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये दो चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, और इसे हम डो बना लेंगे इसका, सभी चीज़ों को मिला के। टू टेबल स्पून हम और डालेंगे मिल्क मेड और इसके डो बनाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब हम इसका बनाएंगे मोदक। देखिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम, इस तरह से, और थोड़ा सा डो उठा निकालेंगे और इसे मोदक का आकार देंगे। फ्रेंड्स, हम इसे बिना मोल्ड के बना रहे हैं और ये बहुत आसानी से बन जाता है। बिना मोल्ड के भी आप बना सकते हैं मोदक। ये देखिए इस तरह से, और इसे थोड़ा सा लुक, मोदक का लुक देने के लिए इस तरह हम चम्मच से थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि ये परफेक्ट मोदक का लुक दे। ये देखिए एकदम सांचे की तरह बनेगा, आप देख सकते हैं, लग रहा ना बिल्कुल सांचे के जैसे। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड। इसी तरह हम सारे मोदक बना लेंगे, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप चीनी को पीस लीजिए और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच दूध मिला लीजिए और उससे डो तैयार कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए इस तरह से हम सारा बना लेंगे। देखिए बहुत ही इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से। ये देखिए ये देखिए, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। और ये देखिए मोदक हमारे रेडी हैं, बिना किसी झंझट के कितने बढ़िया मोदक बने हैं। तो आप भी इजीली इसे बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों का फेवरेट चॉकलेटी मोदक बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने लिया ओरियो बिस्किट और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम निकाल लेते हैं। से तोड़ लेंगे। देखिए हमने सब तोड़ लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसे हम ग्राइंड करेंगे, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए बिस्कुट को हमने ग्राइंड कर लिया है
अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क, ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, 1 से 2 चम्मच दूध में ही हो जाएगा, इसका डो बन जाएगा। और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, फिर और बिस्कुट हमें मिलाना पड़ेगा। बस ये देखिए 2 चम्मच में ही डो बनने लगा, बस इतना ही डालना है। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून और डाला है दूध और इसका डो रेडी हो गया। और इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिठास भी इसमें काफ़ी है। और थोड़ा सा हम डाल देंगे कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी इलायची, इलायची नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा होगा क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है, तो और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा। और ये देखिए डो रेडी है, अब हम इसे भी उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने सत्तू का बनाया था, इसे भी इसी तरह बना लेना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, और इसे भी हम चम्मच से निशान लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल मोल्ड वाली लगे, बिना मोल्ड के ही मोल्ड वाली। ये देखिए अब भी इस तरह से बना लेंगे, सारा इसी तरह से बना लेंगे। और ये देखिए हमारा चॉकलेट मोदक भी रेडी है, आप भी इस तरह से आसानी से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। ये देखिए दोनों तरह के मोदक हमारे रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप भी बनाइए खाइए।